अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इतना कीचड़ बना हुआ है। आपको बताता हूँ, पूरी जगह पे पानी भी खड़ा हुआ, कीचड़ भी बना हुआ है। मैं बाहर निकला हूँ सुबह, मैंने कहा जाके शेव वगैरह करवा लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, फ्लू की वजह से मैंने कटिंग वगैरह नहीं करवाई थी। तभी मैं बाहर निकला हूँ तो एकदम बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी वापस रुक गई है लेकिन बाल मेरे देखे बिल्कुल गीले हो चुके हैं। तो भाई सब भी ड्रेसर की शॉप पे जाते हैं, दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। तो गाइस हम लोग हेयर ड्रेसर की शॉप पे पहुंच चुके हैं, बिजी फिंगर्स। मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी थी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, कटिंग भी अच्छी करते हैं। तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं, जाके देख लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, मैं जल्दी पहुँच कर ये लोग नाश्ता कर रहे थे, मैंने कहा आराम से नाश्ता करें। तो अभी इन्होंने शेव स्टार्ट की है, तो बस मैं आराम से बैठा हुआ था। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, काफ़ी अच्छी इन्होंने शेव की है। तो मैं शीशे में देख रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई थी। तो मैंने कहा पहले अपने फेस को सुखा दूँ, बाल भी ज़्यादा, बाल अभी भी गीले थे मेरे, बहुत ज़्यादा गीले थे बाल। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इन्होंने दाढ़ी जो है वो बना ली है, काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं इन्हीं के पास से दाढ़ी वगैरह बनवाऊंगा। तो गाइस बारिश अभी भी लगी हुई है, ये देखें अभी भी लगी हुई है। तो गाइस अभी मैं बाहर आ चुका था वहाँ से, तो मैं पहुँचा हूँ रेबिड्स के लिए, घास लेने के लिए। तो देखें बारिश अभी भी लगी हुई है, अच्छी खासी बारिश है। तो गाइस घास मैंने ले लिया और अभी जा रहा हूँ घर। अब देख लें, ये घास मैंने ले लिया और बारिश अभी भी हो रही है। तो मैंने घर में आके ये छत पे ला के रख दिया। तो गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ और ये घास जो है ये मैं घर ले आया हूँ, छत पे मैंने रख दिए हैं। और अभी हम लोगों ने खरगोश को खुराक तो डाली हुई है, तो ये रात के खाने का टाइम होगा खरगोशों का, अब उनको हम घास डाल देंगे। बाकी घास ये तकरीबन के एक हफ्ते चल जाएगी। तो गाइस मैं अभी छत पे आया हूँ तो ये रेबिड्स बाहर निकले हुए हैं, तीन रेबिड्स ये बाहर निकले हुए हैं और एक पिंजरे में ही मौजूद है। अभी शुक्र है धूप निकल आई है, ये देखें ये दोनों वाइट वाले रेबिट्स हैं ना, ये दोनों मेल, इन दोनों की एक आंख जो है वो वाइट है ये, और दूसरी आंख जो है वो ब्लैक है। ये देखिए गाइस ये तीन और वो चौथा वाला अंदर है, इनकी मस्तियाँ देखें। क्या चाहिए, ये खाने की चीज़ नहीं, ये हाथ है मेरा। थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल सक रहा। ख्याल से उनके लिए थोड़ा घास ले आता हूँ, उनको घास डाल देता हूँ। ये देखिए गाइस मैं भी इधर आया हूँ और ये मेरे उससे पहले पहुँच गए। आ जाओ ये लो। ये क्या, ये तो वापस बॉक्स की तरफ भाग गए। चलो ये घास जो है मैं
ये जो एक खरगोश है जो पिंजरे में, इसको मैं डाल देता हूँ। तो गाइस ये मैंने जो एक खरगोश पिंजरे में है, मैंने उसको ये घास दे दिया। तो गाइस ये वापस अभी आ गए मेरे पास, इनको लग रहा है यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ है, तो अभी देखते हैं ये क्या करते हैं। ये तीनों बहुत ज़्यादा मस्त हैं। वो इन्होंने घास देख लिया ये तो घास वहाँ से खींच रहे हैं, पिंजरे से इन लोगों ने घास खींच लिया। ये देखें बहुत ज़्यादा शैतान है, इनको बंद कर लो किसी भी तरीके से, किसी भी छोटी सी सुराख के थ्रू ये लोग बाहर निकल आते हैं पिंजरे से। अब ये देखें ये पेटी में भी इन लोगों ने सुराख कर लिया है, ये निकलने की कोशिश कर रहा है चौथा वाला लेकिन नहीं निकल सक रहा। चारों निकल रहे हैं घास खाने लगे, मैं इनको वापस अंदर बंद करता हूँ, इनको थोड़ा सा घास बिठा देता हूँ। तो भाई शोरेम और शारिम के स्कूल में स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, तो यहाँ पर ताइक्वांडो की इनकी प्रैक्टिस हो रही है। जो जो वाइट बेल्ट स्टूडेंट्स हैं उनको येलो बेल्ट मिलेगी अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो तीन हमारे पास कॉलम्स हैं इसमें, तो फर्स्ट वाला हमारे पास है लेफ्ट साइड से, उसमें बिल्कुल लास्ट में हमारे पास शोरेम है। तो गाइस ये लोग लगे हुए हैं, इनके टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा ज़हीन हैं और सीखते हैं।
10 क्लास वाले ने पार्टी की है, दो तीन बच्चे भी नहीं आए लेकिन कुछ आए हैं। वॉइस शक्लें बताओ अपनी। मैंगो मैंगो बहुत स्मार्ट बात है, अभी आप थोड़ा बिजी बात करेंगे। मैंगो बिरयानी, मैंगो मैक्रोनी, मैंगो पकौड़ी। ये बिरयानी में क्या डाला हुआ है? ये आम का बीज है। आम का बीज है। सूचे ऊर्जा 7,800 रुपए किलो। तो गाइस इसी के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।